Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. स्पोर्ट्स अक पर बहुत बहुत स्वागत है और हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो जब हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ऐसे में हमने सोचा कि कई सारे रिकॉर्ड तो बनेंगे क्योंकि भारत में होने वाला है, उसके लिए अलग एक्साइटमेंट है और इंडिया की टीम भी पूरे जोश में है कि इस बार हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी। अब हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान और कोच उनका अलग कहना है, वो धीरे धीरे करते हुए जाते हैं, अब हम लोग एज अ फैन सोचते हैं, लेकिन उनके लिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें रहती हैं। लेकिन इस हॉकी वर्ल्ड कप में क्या चीजें हो सकती हैं जो बनेंगी खास? अब जब मैच शुरू हो जाएंगे तो कई सारे स्टैट्स और रिकॉर्ड्स तो बनेंगे, लेकिन अब तक यहां आने तक क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हमने सोचा आपके साथ में वो सारे फैक्ट्स, कुछ अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए जाएं। तो यहां पर आपको ढेर सारे फैक्ट्स दिखाएंगे जिनमें हॉकी की कई सारी दिलचस्प बातें भी निकल कर आएंगी, कुछ खिलाड़ियों की बात रहेगी, कुछ देशों के बारे में बात होगी और कुछ डेब्यूटेंट्स के बारे में भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले स्लाइड में तो आपको पता है कि तारीख क्या है, 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में होने वाला है हॉकी का वर्ल्ड कप और 16 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस वर्ल्ड कप में। नंबर एक, 4 टाइम की चैंपियन यानी कि 4 टाइम की वर्ल्ड कप विजेता पाकिस्तान की टीम इस बार हॉकी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी है। अब हालांकि 2014 की भी बात होती है, 2014 में भी उन्होंने नहीं किया था क्वालिफाई और अभी यानी 2022 में भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान एक पावर हाउस हुआ करता था हॉकी में, लेकिन उन्होंने हॉकी के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं किया है। सबसे ज्यादा बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है पाकिस्तान की टीम। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर टू, यह चौथा ओकेजन होगा जब भारत ऑर्गेनाइज कर रहा होगा हॉकी का वर्ल्ड कप। इससे पहले भी 3 ओकेजन में भारत ने हॉकी के वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, 1982 जो कि मुंबई में खेला गया था, 2010 जो कि दिल्ली में हुआ था, 2018 जो कि उड़ीसा में हुआ था और 2022 जो अब होगा चौथा बनेगा वो भी उड़ीसा में ही खेला जाएगा। तो 4 बार हॉकी के वर्ल्ड कप जो होंगे अब इस वाले हॉकी के वर्ल्ड कप को मिला के वो इंडिया में खेले गए हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर तीन, अब अगर बात करें बेल्जियम की तो डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम उतर रहे हैं। हॉकी की में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, नेदरलैंड्स का, जर्मनी का, अर्जेंटीना का, क्योंकि अब इनका दबदबा है हॉकी में, ये जबरदस्त हॉकी खेलते आई हुई टीम है, लेकिन बेल्जियम ने सबको चित किया है हॉकी के वर्ल्ड कप में और डिफेंडिंग चैंपियन वही है। क्या वो इस बार फिर से ये चीज दोहरा पाएंगे, देखेंगे, दिलचस्प होगा। नंबर चार, 1971 के बाद से लेकर अब तक 50 साल पूरे हो जाएंगे हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर। अगर वर्ल्ड कप की बात करें 1971 से लेकर अगर अब तक देखा जाए 2022, तो 50 साल के आसपास पूरे होंगे हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर। नंबर पांच, पहला ऐसा देश बनेगा इंडिया जो 2 बार लगातार हॉकी के वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाएगा। 2018 में जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया ही था उड़ीसा में हुआ था और 2022 में भी उड़ीसा में हो रहा है, लेकिन इंडिया करवा रहा है। इससे पहले और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर लगातार 2 एडिशन हॉकी के वर्ल्ड कप के एक ही देश में कराए गए हों। नंबर छह, पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 2 शहरों पे हॉकी के वर्ल्ड कप होंगे। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, जो भी इंडिया में भी हॉकी के वर्ल्ड कप हुए हैं वो एक एक सिटी में होते हैं या फिर किसी और भी कंट्री में होती है, तो वहां पर एक सिटी को चूज किया जाता है जहां पर हॉकी के वर्ल्ड कप को खेला जाता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि 2 शहर होंगे, राउरकेला होगा जिसमें से एक और एक भुवनेश्वर होगी, तो यहां पर 2 सिटीज रहेंगी जहां पर हॉकी के वर्ल्ड कप को खेला जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 7, अब इस बार ऐसा पहला ओकेजन रहेगा 1982 के बाद जब इंडिया हॉकी के वर्ल्ड कप में एक ओलंपिक मेडलिस्ट के तौर पर उतरेगा। 1982 के बाद जब जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है हॉकी वर्ल्ड कप में तो वो महज क्वालिफाइंग टीम के हिसाब से खेलते आई है, लेकिन एक ओलंपिक मेडलिस्ट के तौर पर नहीं। लेकिन 1982 के बाद अब ऐसा होगा कि इंडिया एक ओलंपिक मेडलिस्ट के तौर पर भी हॉकी वर्ल्ड कप पर उतर सकेगी। अपने पिछले ओलंपिक में अगर हमने देखा होगा इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उससे इंडिया एक ओलंपिक मेडलिस्ट होती है और एक उस तौर पर ही हॉकी वर्ल्ड कप पर वो कदम रखने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 8, इंडिया ने कई बार हॉकी के वर्ल्ड कप को करवाया जरूर है अपने देश में, और ऐसे तो बात की जाए कि ओलंपिक में बहुत बार मेडल जीती है इंडिया, पावर हाउस है, लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात होती है सिर्फ एक बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है 1975 में, और सबसे ज्यादा बार इंडिया में हुए हैं हॉकी वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया ने कभी अपने घर में
हॉकी का वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसलिए यह हॉकी वर्ल्ड कप और ज्यादा खास भी बनता है कि 2022 का वर्ल्ड कप क्या ऐसा पहला वर्ल्ड कप बन पाएगा इंडिया के लिए कि इंडिया खुद अपने देश में हॉकी का वर्ल्ड कप जीत पाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 9। अब अगर एशियन कंट्रीज को देखें तो यह सातवीं बार ऐसा हो रहा है कि एशियन कंट्रीज में हॉकी के वर्ल्ड कप को खेला जा रहा है, लेकिन एशियन कंट्रीज में भी सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हॉकी के वर्ल्ड कप को खेला गया है, इंडिया, पाकिस्तान और मलेशिया। चौथी बार ये जो इंडिया में हो रहा है, इससे पहले देखा जाए इस वाले वर्ल्ड कप को अगर हटा दे तो 3 बार इंडिया में हुए हैं, 2 बार पाकिस्तान में भी हुए हैं और मलेशिया में भी हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 10, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि नया स्टेडियम अभी बना है और उसमें कई सारी चीजें हैं, सिर्फ हॉकी का टर्फ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है 20,000 की कैपेसिटी को लेके। पहला स्टेडियम चंडीगढ़ का स्टेडियम है जहां पर 30,000 कैपेसिटी है, लेकिन बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि अब नया बना है, इस हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए ही बना है, खास तौर से तैयार किया गया है, उसमें 20,000 की कैपेसिटी होगी और ये दूसरा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा इंडिया में। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 11। अब दो डेब्यूटेंट्स की बात अगर करें, दो ऐसी टीमें जो डेब्यू करेंगी इस हॉकी के वर्ल्ड कप में क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया है इस वर्ल्ड कप में, और वो हैं वेल्स और चिली। नंबर 12 की अगर बात करें तो हॉकी के लेजेंड हमारे, अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के एक दिग्गज खिलाड़ी राजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो वही एक ऐसे खिलाड़ी हैं इंडिया के जिन्होंने 1982 में 12 गोल दागे हैं और इंडिया के लिए यही रिकॉर्ड है अभी तक, इससे ज्यादा और किसी खिलाड़ी ने हॉकी के वर्ल्ड कप में गोल स्कोर नहीं किया है। तो देखना होगा कि क्या हरमनप्रीत, मनप्रीत, जर्मनप्रीत या फिर मनदीप सिंह, इनमें से और कौन से ऐसे खिलाड़ी आते हैं, या फिर बात करें ललित उपाध्याय की, कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन कौन होगा देखेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 13। अब यहां से जो 3 फैक्ट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो इसीलिए अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं गोंजालो पेलेट। अब ये अर्जेंटीना से इन्होंने 2014 और 2018 दोनों ही वर्ल्ड कप खेले थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली है और ये अब जर्मनी से खेलेंगे, यानी कि इस वर्ल्ड कप में गोंजालो पेलेट अर्जेंटीना की जर्सी में नहीं बल्कि जर्मनी की जर्सी में आपको नजर आएंगे। और अगर नंबर 14 की बात करें, उन्हीं के साथी योकिन मिनेनी की अगर बात करें, वो भी अर्जेंटीना के प्लेयर थे, उन्होंने भी 2014 और 2018 में अर्जेंटीना की तरफ से वर्ल्ड कप खेला था, अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप खेला था हॉकी में, लेकिन अब उन्होंने भी नेशनलिटी चेंज कर ली है और वो खेलेंगे स्पेन से। बता दें अर्जेंटीना के लिए ये टॉप स्कोरर थे और बेहतरीन खिलाड़ी थे योकिन मिनेनी, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर तो छूट गए हैं। अब बेल्जियम की अगर बात करें, नंबर 15 और आखिरी जो स्टैट है आपको, आखिरी जो फैक्ट है वो बताया जाएगा, जॉन जॉन डोमिन की अगर बात करें जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, वो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मोस्ट कैप प्लेयर के तौर पर उतरेंगे। अभी तक अगर बात करें इस हॉकी वर्ल्ड कप में जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले अगर खिलाड़ी होंगे तो वो होंगे जॉन जॉन डोमिन, जिन्होंने 436 इंटरनेशनल मैच अब तक खेल लिए हैं हॉकी के। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, हॉकी वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमने सोचा कि हॉकी वर्ल्ड कप के लिए आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करेंगे जिसमें बड़ा मजा आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी, जो फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं वो आपको पसंद भी आए होंगे। लेकिन और भी ढेर सारे वीडियोज हॉकी वर्ल्ड कप के लिए आपके लिए हम लेकर आएंगे, इंडिया की टीम से और बाकी दूसरी टीमों से भी, और इसी तरीके से आपके सामने वो सारे वीडियोज भी शेयर करेंगे। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।